यार। और मैं आज हरिद्वार जाऊंगा पैदल पैदल, लोग बाग हरिद्वार से पैदल आ रहे हैं, मैं हरिद्वार पैदल जाऊंगा। यहाँ पर आप कैंप में देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सुविधाएं, कितने बड़े बड़े कूलर लगा रखे हैं, बिल्कुल चिलर। ये बड़ा और बिगेस्ट कैंपों में से इसका नाम आता है और यहाँ पर काफ़ी। तो यहाँ पर कैंप में देखिए ऐसी सुविधाएं आपको कहाँ मिलती है, जैसी सुविधाएं यहाँ पर लगी, यहाँ पर कैंप। सबसे बड़ी बात आपको मैं एक चीज़ दिखाऊँ, देखिए पैरों की हालत ज़्यादा ख़राब हो जा रही है, धीरे धीरे जय बोलेगी जय बोलेगी। ये देखिए यहाँ अगर भगवान है तो यहाँ ये दूसरे भगवान है। पहली कावड़ जो बैंत की लकड़ी पे है, जो आपके मटके हैं दोनों तरफ जो कलर, और इसको देखिए ये भी एक रूप है इस कावड़ यात्रा का। और पीछे पीछे स्टाफ और कावड़ियों पर रेला, भोलेनाथ। गुड आफ्टरनून दोस्तों, आज मेरा कुछ डिफरेंट करने का प्लान है, कुछ डिफरेंट करने का प्लान है। मैंने घर से निकल ही आया हूँ और अभी मैं हूँ NH 58 पर, बाईपास पर, जो रोटा रोड का बाईपास स्टार्ट होता है। अभी ये पीछे आप देखें ये फ्लाईओवर है, पीछे यहाँ से मैंने अपना सफ़र स्टार्ट करा है। मैंने घर से सफ़र तो घर से स्टार्ट करा है, लेकिन यहाँ से मेरा ऑफिशियली सफ़र स्टार्ट हो गया है और मैं आज हरिद्वार जाऊँगा पैदल पैदल। लोग बाग हरिद्वार से पैदल आ रहे हैं, मैं हरिद्वार पैदल जाऊँगा। तो मैं पूरा कवर करूँगा आज मेरठ से लेके हरिद्वार तक का रूट। आप बने रहे मेरे साथ, मैं आपको पूरा एक एक पोर्शन दिखाने की कोशिश करूंगा। और जैसा कि मैं बता रहा हूं अभी मैं हूं NH 58 पर, मैं आपको फ्रंट व्यू दिखाता हूं। तो ये है फ्रंट व्यू और यहां से वन वे हो चुका है रूट, अप एंड डाउन दोनों रूट एक ही साइड हो चुका है, दो साइड दूसरी पटरी है। मैं आपको उधर को दिखाऊँ, क्योंकि ये फ्लाईओवर है पीछे से, ये जो गाड़ी इधर से आ गई, और इधर से मैं अगर आपकी बात करूँ तो ये पूरी की पूरी लाइन कांवड़ियों के लिए बुक है, ये पूरी की पूरी लाइन कांवड़ियों के लिए बुक है। जय बोलेगी जय बोलेगी। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सफर और आप इधर देखते हैं कांवड़ियों की सुविधा के लिए यहाँ पर पानी भी लगा हुआ, पीछे से समरसेबल से पानी आ रहा पीछे से, और यहाँ नहाने की उनकी पूरी सुविधा है। ये अगर हम रोटा रोड से चलते हैं तो सबसे पहला कैंप यहाँ पर है, और यहाँ पर जबरदस्त साउंड लग रही है, आप देख सकते हैं सामने कितनी जबरदस्त साउंड है। और यहाँ पर पानी सुविधा के लिए, तो ये है पहला रोटा रोड से चलने का पहला कैंप। मैं थोड़ा सा अंदर से कवर करके लाऊं आपको दिखाऊं इसमें। शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, शंकर भगवान की जय। यहाँ पर आई थिंक भंडारा चल रहा है, टीका लग रहा है, पूरी भंडारा स्वागत हो रहा है सभी कावड़ियों का, आप देख सकते हैं। मेरे भी लगा दीजिए, जय बोलेगी जय। यहाँ पर आप कैंप में देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सुविधाएं, कितने बड़े बड़े कूलर लगा रखे हैं, बिल्कुल चिलर लगा रखे हैं पूरे कैंप में, ऊपर पंखे लगे हुए हैं, आप कूलर तो देख सकते हैं लाइन लगा के कूलर लगे हुए हैं और पंखे लगे हुए हैं। तो भोले की यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं, भोलों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं। ये कैंप बहुत अच्छा है, रोटा रोड का पहला कैंप जो रोटा रोड से अगर NH 58 पे चलते हैं तो बहुत ही अच्छा कैंप है यहाँ। तो मेरा सफ़र शुरू होता है शोभापुर, ये जो आपका मेरठ बाईपास है वहाँ से स्टार्ट होता है शोभापुर बाईपास पर, सबसे पहला शोभापुर। अभी हम किसी से लिफ्ट लेने की कोशिश करते हैं कि कोई लिफ्ट मिल जाए, क्योंकि वहाँ से मेरा सफ़र स्टार्ट होता है। तो सबसे पहली लिफ्ट मैंने ली है भैया से शोभापुर से। तो दोस्तों मुझे जो सबसे पहली लिफ्ट मिली है वो मिली है कंकरखेड़े का जो सरदने वाला पुल है, जो फ्लाईओवर है वहाँ तक। वो भैया मुझे शोभापुर के बाईपास से मिले थे और उनको यहाँ तक जाना था, तो सबसे पहली लिफ्ट मुझे यहाँ तक मिली है। अब देखते हैं आगे चलते हैं, फिलहाल हम आगे, हमें कोई मिलता है नहीं या पैदल चलते हैं, क्योंकि अपना आज सफ़र ऐसे ही होने वाला है, पैदल या लिफ्ट। कहाँ तक जा रहे हैं आप आगे? चलिए कहाँ तक जाए, थैंक यू फ्री लिफ्ट। और दोस्तों ये बाईपास का सबसे ज़बरदस्त कैंप लगता है, ये नीरज मित्तल जी व्यापार संघ के हैं,
उनके द्वारा यह कैंप लगवाया जाता है। तो यह बाईपास पे सबसे ज़्यादा जिसको कहना चाहिए बड़ा और बिगेस्ट कैंपों में से इसका नाम आता है, और यहाँ पर काफ़ी सुविधाएँ होती हैं। यहाँ का डीजे भी अपने आप में कमाल का ही होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कावड़ी रुकते हैं। तो मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा रश दिखाऊँ। तो देखिए यहाँ पर पहले झांकी लगी है, पूरा का पूरा यहाँ पर जैसे जागरण में पंडाल लगता ना, और पूरी की पूरी झांकी होती है इस तरह से लगी हुई है। और इधर का मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँ जरा, ये देखिए भोलों के यहाँ पर अपने आप पैर उठते हैं भोलों के। दोस्तों कावड़ियों की सेवा में आपने कैंप बहुत देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर जैसे शादी मैरिज हॉल में लगे होते हैं ना विवाह मंडप में, यहाँ पर सोफे सेट लगे हुए हैं, पूरे के पूरे सोफे सेट लगे हैं, क्योंकि यह कैंप है नीरज मित्तल जी का। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएं हैं भोले के लिए। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मसाज भी है भोलों के लिए, मसाज वो भी मशीनें भी लगी हुई हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर कैंप में देखिए ऐसी सुविधाएं आपको कहाँ मिलती है, जैसी सुविधाएं यहाँ पर लगी, यहाँ पर कैंपों में हो रही है भोलों के पैरों की मसाज भी, तो आप देख सकते हैं। अब बहुत फैसिलिटी वाले कैंप लगने लगे हैं, तो यहाँ पर भोले खुश हैं कि उनको पैरों को मसाज करने को भी मिल रही है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आज मौसम भी थोड़ा कूल है, हल्की हल्की बरसात हो रही है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर कावड़ियों पर रेला का रेला ही है, ये देखिए पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं, किसी के पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं तो किसी के पैरों में पट्टी भी है, छाले पड़ जाते हैं पैदल आते आते कावड़ियों के पैरों में। और आप देख रहे हैं कि कितना भारी भरकम जल उठाकर लेके जा रहे हैं भोले। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहना, आज मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से हरिद्वार तक। देखिए मैं कहाँ तक जा पाता हूँ आज पैदल पैदल या लिफ्ट लेके, वो तो वक्त बताता कि मैं कहाँ तक पहुँच पाता हूँ, लेकिन आज की वीडियो में आपको हैंड टू हैंड ही डालता रहूँगा। देखिए बाबा की कावड़ जाते हैं भोलेनाथ की, एक सुंदर कावड़ इस झांकी। ट्रैक्टर ट्रोला पूरा सिस्टम। सबसे बड़ी बात आपको मैं एक चीज दिखाऊं, जय भोले की, 20 लीटर जल, 20 लीटर जल, 20 है तो ना मैं। हाँ जी देखिए आप सब लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा, कोई कैसे जल लाता है कोई कैसे जल लाता है, उन्होंने पूरी कैन ही उठा रखी है जल की। जय भोले की, है लिफ्ट यहाँ पर लिफ्ट लिए और भैया जाएंगे मोदीपुरम तक। तो चलिए मोदीपुरम तक चलते हैं, फिर आगे फिर कुछ कवर करते हैं। थैंक यू। और अगर आप यही मोदीपुरम में रहते हैं, रॉयल पार्क एक्सटेंशन। हाँ आपका नाम? सुमित त्यागी। सुमित त्यागी, तो यहाँ पर ये मेरी थर्ड लिफ्ट है और भैया हम उसको मिले हैं, भैया जाएंगे दोराला तक। हमको यहाँ तक दिया भैया ने लेट। आपका नाम भैया? प्रशांत सिंह तोमर। प्रशांत जी? प्रशांत सिंह तोमर। तोमर, अरे यार मैं आलसू तोमर, कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर यूपी। जलानपुर? शाहजहानपुर। शाहजहानपुर नहीं, मैं इधर बागपत साइड से। तो दोस्तों मैं हूँ इस टाइम दोराला फ्लाईओवर पर, आप देख सकते हैं इधर ये मेरे पीछे इस तरफ दोराला फ्लाईओवर है इस तरफ, और ये इधर से अगर मैं जिधर की बात करूँ तो इधर से मैं मेरठ से आया हूँ और मेरा सफर है इधर हरिद्वार की तरफ। साइड में अगर आप इधर किस तरफ देखें तो आपको पूरी की पूरी लाइन भोलों से भरी हुई दिखाई देगी। चलिए अब फिर किसी लिफ्ट लेते हैं और फिर चलते हैं आगे। आज का एक्सपीरियंस बड़ा गजब का होने वाला है, अब तक चार लोगों से मैं लिफ्ट ले चुका हूं और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जा रहा है। पहले सबसे पहली लिफ्ट जब मैंने ली थी तो थोड़ा सा मोरल डाउन था। देखिए ये एक बार पहले करा था जब मैं, आपको याद हो कि लाक्षक रह गया था तो भी मैं लिफ्ट लेके गया था, लेकिन वो थोड़ा सा कम स्पेस का था, यहाँ से अराउंड 40 किलोमीटर का था, ये 150 किलोमीटर का पट्टा है पूरा। भोले कहाँ से आप लोग? दिल्ली से। दिल्ली से, तो आई थिंक दिल्ली को जल्दी नहीं पहुँचाएंगे आप? नहीं भोले की तबीयत ज़्यादा खराब है ना, तो जा रहे हैं ना। देखिए पैरों की हालत ज़्यादा खराब हो जा रही है, धीरे धीरे सफ़र करना है। हाँ भोले बहुत आराम से सफर करना है। जी। जय भोले की। चलिए भोले धीरे धीरे चलिए। और यहाँ से आप देख सकते हैं झूला कावड़ पूरा का पूरा, तीन भोले
जंपिंग, ये सबसे ज़्यादा जब फ्लक्चुएशन करती है तो दर्द भी होता है कंधों में, तो ये झूला का। और सामने से आती हुई शिव शंभू, जय जय बोलेगी सुबह से शाम तक भी अगर आप, जय बोलेगी सुबह से शाम तक भी अगर आप लोग बैठे, जय जय बोलेगी। तो चलिए चलते हैं दूसरी साइड, लिफ्ट लेने की कोशिश करते हैं और लिफ्ट यहाँ पर मिल गई मुझे एक और लिफ्ट। कहाँ तक जाएंगे भैया? चलो चलिए, थैंक यू। तो मेरा कॉन्फिडेंस भी हाई होता जा रहा है और मेरा सफर भी आगे बढ़ता जा रहा है। बोलेगी जय बोलेगी, ये देखे छोटा बोला और बड़े बोली जय बोलेगी, साहब बड़ी कमर के साथ चलने का भी मजा आने का लगी है। जय देश की शान तिरंगा, तीन रंग का झंडा अपना तिरंगा, बोलो शंकर भगवान की जय, जय बोलेगी। तो यहाँ देखिए आप, एक दो तीन चार पाँच छह मंजिली इमारत कावड़ है। जय बाबा की, जय बाबा की। जै, हाँ जी चैनल पे आएगी, राकेश तोमर घुमक्कड़, राकेश तोमर घुमक, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, बड़ी बड़ी वो दिखाई थी, कल दिखाई थी मैंने 101 और 151 तक की, आज ये भी है क्योंकि ये एक अलग ही ट्रेंड है कैंपर के अंदर। हाँ जी जुनून है, जुनून ही पैर उठाता अदरवाइज पैर नहीं उठेगा। और देखिए एक चीज़ आपको मैं दिखाऊँ, एक खतरनाक चीज, आप जरा हाथ हटाएंगे। हाँ यहाँ अगर भगवान है तो यहाँ ये दूसरे भगवान है। जय बोलेगी बोले, आपका नाम वैसे? मेरा उदयवीर चौहान है जी। उदयवीर चौहान जी, और देखिए इसका भी एक अलग ही आनंद है सड़क पे बैठ के खाना खाने का। मेरे को भी ये सौभाग्य दो बार प्राप्त हुआ है, आज मैं तीसरी बार हूँ, तो आज मैं भी कहीं ना कहीं ऐसे ही बैठ के खाना खाऊंगा। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो इन बोल, तो यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर बना रखी है, नीचे घास, नंदी बाबा, शिवलिंग, महाकाल और ऊपर नीलकंठ महाराज। जय हो बाबा नीलकंठ महाराज, तेरी सदा ही जय। और दोस्तों ये वाली कावड़ जो बैंत की लकड़ी पे है, जो आपके मटके हैं दोनों तरफ, जो कलश हैं जिनको कलश बोलते हैं, उनकी वाली कावड़ इस बार सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है रूट पर, सबसे ज़्यादा यही कावड़ दिखाई दे रही है चारों तरफ। और इसको देखिए, ये भी एक रूप है इस कावड़ यात्रा का। बच्चे मन के सच्चे। और यहाँ अपनी कावड़ अपनी अपनी कावड़ को उठाते हुए बोले, जय बोलेगी। राकेश तोमर और दोस्तों इतने में कवर करके आया, देखिए भैया यहीं पर खड़े हैं, ये चले गए थे फिर वापसी मुड़ के आए कि चलो मैं आपको और आगे तक छोड़ देता हूँ, तो ये भैया बोल रहे हैं कि मैं आपको खतौली तक छोड़ के आऊँगा। देखिए ऐसे लोग भी दुनिया में एक होते हैं कि जो चाहकर भी मदद नहीं करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि देखिए ये इन भैया की तरह कि ये वापसी आए मेरे पास दोबारा से कि चलिए मैं आपको और आगे तक छोड़ के आता हूँ। तो भैया का थैंक यू। तो यहाँ पर भैया ने मुझे छोड़ा, ये देखिए ई रिक्शा के ऊपर नंदी बाबा वाले कावड़, बड़ी सुंदर कावड़, छोटी सी कावड़ ई रिक्शा के ऊपर,
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े डीजे, बड़ी बड़ी कावड, बड़ी बड़ी झांकियाँ। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, कावड़ियों का रेला बढ़ता जा रहा और डीजे और बड़ी बड़ी कावड़े देखने को मिलती जा रही है। यहाँ आप कावड़ देख सकते हैं, कितनी सुंदर कावड़, बाबा का नृत्य, तांडव नृत्य, भोले बाबा जय भोले की, और पीछे पीछे स्टाफ और कावड़ियों का रेला। तो एक अलग ही मज़ा आता है डीजे के साथ चलने में, अपने आप ही पैर उठते रहते हैं। जिस ये देखा गया है कि डीजे के साथ लंबा सफ़र कट जाता है, जैसे जैसे डीजे बजता रहता तो कावड़िए भी फटाफट उसके साथ चलते रहते हैं। यहाँ पर देखिए एक और सुंदर झांकी, एक और सुंदर कावड़, जय भोले की। लगातार आप देख रहे हैं कि लगातार एक से एक कावड़ आ रही हैं, एक से एक सुंदर, एक से एक बड़ी कावड़ लगातार आती जा रही हैं। और भोलों का उत्साह आप देख सकते हैं कि कदम मंजिल की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं, मन बढ़ते ही जा रहे हैं। भोलेनाथ, यहाँ देखिए एक और सुंदर झांकी, एक और सुंदर भोलेनाथ की झांकी, जय बाबा, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। और पीछे फिर बड़ा साउंड। दोस्तों मुझको बार बार आवाज़ म्यूट करनी पड़ती है, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता है वीडियो के ऊपर, नहीं तो मैं आपको ओरिजिनल साउंड भी दिखा सकता था। राकेश तोमर घुमा कर, यहाँ देख सकते हैं आप बाबा का विकराल रूप। राकेश तोमर घुमक्कड़, जय भोले शिव पार्वती गणेश, जय शिव पार्वती गणेश। छोटे बच्चों के साथ भी हैं यहाँ पर, और बड़ी कावड़, और इधर एक शिव नीलकंठ महाराज। कितना सुंदर रूप, और ये नीलकंठ महाराज। जल्दी नहीं, शंकर भगवान की जय, बोल गंगा मैया की जय, बोल गंगा मैया की जय। देखिए भोले आराम करते हुए, क्योंकि छाया नहीं है यहाँ पर, तो जहाँ थोड़ी सी छाया दिखाई दी वहीं बैठ गए भोले। धूप निकली आई अभी तक, सुबह से मौसम बहुत अच्छा था। तो दोस्तों मेरी पहली वीडियो का, आज की वीडियो का यहीं मैं समाप्त करता हूं। मैं दूसरी वीडियो रात को फिर डालूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक दूसरी वीडियो के साथ। अभी मैं हूं मंसूरपुर, तक की ये वीडियो मैंने आपको दिखाई है मेरे।